घंटे बचे हैं, घंटे बचे दो वॉचिंग नर्वस हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ, एक्साइटेड नर्वस, मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि पापा की पहली पिक्चर बलवान सितंबर 11 को रिलीज़ हुई थी 1992 में, और ये मेरी पहली पिक्चर है और वो रिलीज़ हो रहा है सितंबर 11, दोनों सेम डे पे हुए, तो वो एक बहुत ही बड़ी कोइंसिडेंट है, तो आई होप दैट्स गुड लक फॉर मी। पेरेंट्स बहुत प्राउड है और बहुत हैप्पी है जब मॉम और डैड बोलते हैं कि वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड वी आर रियली हैप्पी दैट वी हैव अ सन लाइक यू, तो बहुत अच्छा लगता है। बट फॉर द फिल्म पेरेंट्स तो बहुत अच्छा, हमेशा अच्छा ही बोलेंगे, बट आप लोग आप आज बताओ। सॉरी कहाँ पर? यूथ में हम लोग गए दिल्ली, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, नागपुर, पुणे, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमारे गाने उनको मालूम है, हमारे बारे में उनको मालूम है, हमारा फिल्म का रिलीज़ का डेट उनको मालूम है, ज़बान पे ही है, तो इतना अगर हो रहा है और दो न्यू कमर के लिए तो बहुत अच्छा है। सूरज, इवन बिफोर द फिल्म रिलीज़, यू नो दैट आई डोंट फील माय फैन फॉलोइंग। इज़ देयर? यस। नो, आई डोंट थिंक सो। डोंट प्रिटेंड सूरज, लाइक यू डोंट नो। सो हाउ डज इट फील राइट नाउ? इट फील्स गुड मैम, बिकॉज दिस इज़ व्हाई यू आर हियर, दिस इज़ व्हाई वी आर वर्किंग, इसलिए तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। वी वांट फैंस एंड वी वांट टू इम्प्रेस आवर फैंस, वी आर वर्किंग फॉर आवर फैंस, एंड इफ वी हैड डोंट हैव फैंस व्हाट्स द पॉइंट? सो एनी पर्टिकुलर फैन आई नो, हम लोग चंडीगढ़ में गए थे एंड देयर वर 4,000 गर्ल्स एंड दे वेंट मैड, जब भी मैं सूरज बोल तो सब लोग चिल्ला रहे थे, और मुझे याद है जब हम लोग बाहर निकल रहे थे तो अ गर्ल गिव सूरज ए लेटर, एक लड़की ने एक लेटर दिया कि एक्चुअली वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड था, पर मेरे नसीब में था कि मुझे वो लेटर मिल गया एक लड़की से, और एक ही लड़की ने लेटर दिया मेरे को, और वो मेरे को लास्ट में गाड़ी में बैठने से पहले ही मिल गया, और उसने लिखा था, सूरज आई प्रे फॉर यू दैट योर फिल्म डज वेल, आई विल वॉच हीरो फर्स्ट डे फर्स्ट एंड यू आर माय हीरो, उसने लिखा था। तो सर भाई, अब तक मैं एक्चुअली वो समझा नहीं हूँ क्योंकि फर्स्ट फिल्म है, तो मैं शायद बहुत अच्छा सोच रहा हूँ मेरी फिल्म के बारे में, पर सबके चॉइसेस है किसको पसंद आया किसको नहीं आया। रिव्यूज़ जब मैं अपने फिल्म के पढ़ूंगा तब मेरे को समझ आएगा कि रिव्यूज़ क्या होता है और कितना एक्यूरेट होता है कितना एक्यूरेट नहीं होता है। रिव्यूज़ और क्रिटिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जैसे सूरज ने कहा, अभी फ़िलहाल हमें पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, पहली पिक्चर है, तो आई थिंक जब रिव्यूज़ आएगा तो हम लोग देखेंगे, और फिलहाल अभी के लिए आप लोग ने इतना प्यार दिया है हमें, तो जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड वी फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। आप दोनों पिक्चर रिलीज होने से पहले ही सेलिब्रिटी हो गए, नहीं लाइफ में कितना चेंज आया है? बिल्कुल कोई चेंज नहीं है फिलहाल, तो कोई चेंज नहीं है, हम लोग बाहर निकले नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि आज अगर इतना प्यार मिल रहा है, हो सकता है कि कल नहीं मिले, दो दिन बाद नहीं मिले, तो जितना मोम बुद्धि जितना ज़मीन पर रहोगे उतना अच्छा रहेगा, और ज़मीन पर रहना है फिलहाल। कॉन्फिडेंट मैं इंटरव्यूज़ की बात फील कर रहा हूँ क्योंकि इतना बात करने का मौका मिला है, पहले मैं बात नहीं करता था लोगों से क्योंकि शर्माता था, अभी वो कॉन्फिडेंस मिला है कि बात करूँ, और होपफुली हीरो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पर नेक्स्ट फिल्म में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अभी मेरे सेकेंड। सबने देखी है, बहुत खुश है। अलवीरा मैम जो है, सलमान सर की सिस्टर जो है, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनको ही पसंद आया। सलीम अंकल ने भी देखी, सलीम अंकल ने आतिया से बात की कल। ही लव द फिल्म एंड ही गेव अस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, तो हमारे लिए वो ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्लेसिंग्स और लव। यस ऑफ कोर्स, आई गिव माई एंटायर लाइफ क्रेडिट टू सलमान सर, बिकॉज आज मैं अगर ये इंटरव्यू बैठ के भी दे रहा हूँ आपको तो मैं उनकी वजह से ही बैठा हूँ मैम, और अगर वो नहीं होते तो मालूम है मैं अब तक स्ट्रगल कर रहा होता,
पता नहीं एक्टर बनता नहीं बनता, तो आई वुड डेफिनेटली गो. सूरज कुछ मैसेज दिया सलमान ने आज आपको, कि तुम कंटिन्यू होने वाली? नहीं बात नहीं हुई अभी, बात तक नहीं हुई जी. मैं क्या है सलमान से गिवन नाज नहीं आया कोई टिप्स टुडे सलमान ने आपको? अभी तो नहीं, हम बात करेंगे आज शाम. शाम एनी पर्टिकुलर इश्यूज सुपरस्टिशियस यू गाइस आर टाइप फॉर द रिलीज कुछ करो मंडे I'm going to Mount Mary today evening. By 11 o'clock, 12, yeah. No, by 1 o'clock I'll be going there. Yeah. I believe in Sai Baba, and मैं every Thursday मैं Sai Baba मंदिर जाती हूँ. तो आज Thursday है, lucky है, तो मैं जाऊँगी बिल्कुल. Yes. Salman says Suraj is his favorite. What do you want to say? So I would only say Salman sir is my boss, and I respect him. And I love him with my entire heart. No, my grandparents are seeing it tonight actually. So I'm very excited. Anyone? Bro? Yeah, please. Ask. Are you joking? But how important is Asian cinema for now? Because we're talking about Bhasha for now. So, there's a growth in regional cinema happening in Bollywood now. Definitely. Even Bollywood stars are getting into Marathi cinema. Lay Bhari. Right. Lay Bhari. And Salman Khan is also getting into Marathi cinema. Very yes. So, Sooraj, what is the basic reason of the growth of regional cinema in Bollywood? It is very important. There should be all languages. Films, and there should be big films as big as our Hindi films. And because there's so much more, there's so much Marathi audience, so much UP audience, there's so much more to do, you know, so many actors. I think they should also get their recognition. Sabko milna chahiye, definitely. I think we live in such a diverse country. There are so many cultures, so many languages, so many different types of art forms. So I think the exposure is great, and like Sooraj said, everybody should get a chance, everybody should showcase their talent. It doesn't have to be only in Hindi cinema. But Sooraj, it's all till tomorrow. Then, करके बाद आप जो regular promotion कर रहे हो, regional stage जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, वो suddenly अभी थोड़े time के लिए पहुंच जाएगा to your next movie. To my next film. Right. So, will you feel a little bit disconnected with the connection that you have with media every day, connected with media every day? हम आपको miss करेंगे. We will miss all, but बहुत थक गए प्रमोट करते करते. अभी वी वांट टू एंजॉय इंशाल्लाह फॉर द फिल्म डज वेल, वी वांट टू एंजॉय द सक्सेस एंड बी विद द फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना. नो बट यू नो इवन इन बॉम्बे इफ आई एम आई वांट टू बी विद माय फैमिली फॉर सम टाइम. आई हैवंट सीन देम इन अ मंथ ऑलमोस्ट. बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंट्स काफी चलते हैं, मतलब हर एक एक्टर अपने रोल के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करता है. कोई आपने ऐसा सोचा है अपने दिमाग में कि मैं अपने अपने साथ एक ऐसा रोल है जहाँ मैं कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करूँ, जैसे बॉडी बिल्डअप करते हैं कुछ ऐसा, कोई एक्सपेरिमेंट आपने सोचा सूरज और आपने भी किया? अभी तक तो नहीं सोचा है, लेकिन आई एम श्योर जब मैं सीखूंगी आई वर्क हार्डर एंड देन आई कैन फिगर आउट हाउ आई वांट टू एक्सप्लोर. सूरज योर टेक. I'm not saying it because you're asking me, but I want to do a film like Bhag Milka Bhag, and how Farhan sir had transformed himself. I want to do a sports film like that. I don't know which specific sport, but I want to do a nice sports film on India and play a sports hero. आई थिंक इस शूट के दौरान हम लोग बोथ एज पीपल बट ऑल्सो एज एक्टर्स हैव इवॉल्व्ड ऑब्वियसली. मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं थी जब मैं सेट पे पहले दिन पहुंची थी, और आज मुझे लगता है कि यू नो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने स्किन में, अपने यू नो आई एम कॉन्फिडेंट एंड मैं आपसे बात कर सकती हूँ, वही बहुत ही बड़ी बात है था मेरे लिए. सेम थिंग विद मी, आई वाज अ वेरी बिग इंट्रोवर्ट, बात करने में बहुत मुश्किल होती थी मेरे को लोगों से, और ऐसे कैमरा के सामने बैठ के बात करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, एंड विद ईच एंड एवरी फिल्म आई विश टू गेट मोर कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. बोथ ऑफ यू हैव जस्ट यू आर जस्ट अ न्यू एंट्रेंट इनटू द स्टारडम. व्हाट विल स्टारडम, व्हाट इज स्टारडम फॉर यू सूरज एंड अथिया? मैम वी हैवन एक्सपीरियंसड इट येट, यू नो, बिकॉज दोस्त बोलता है तू बदल जाएगा, तू फोन नहीं करेगा, हमारा फोन उठाएगा नहीं. मैम मेरे को ऐसा दिल से नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ, एंड आई डोंट थिंक आई विल लूज माई सेल्फ फ्रॉम विद इन, बट स्टारडम इज देयर.
हम मैंने देखा है मेरे घर में माई फादर वॉज अ वेरी वेरी बिग स्टार व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप एंड आई हैव सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ दिस और मेरे को मालूम है कि जितना आप ज़्यादा सोचोगे आपके बारे में उतना ही आप नीचे गिरोगे तो आई लाइक टू बी ऑन द ग्राउंड शूटिंग्स के मैम जो हमारे मेरे को जो हमारे रिहर्सल्स होते थे जहाँ पे कैमरा ये सब कुछ नहीं होता था हम लोग जब मस्ती करते थे हमारे लंच ब्रेक होते थे फिर निखिल सर के साथ जाके हम लोग शाम को बैठते थे पता करने के लिए कौन सा गाना भी आया निखिल सर के पास कोई गाना है सर सुनाओ ना सर एक दो गाने सुनाओ ना तो वो सब अच्छा लगता था तो आई मिस ऑल ऑफ दैट एंड आई विल मिस बीइंग अ न्यू कमर यस जैकी अंकल आए थे एक्चुअली कल जब हम स्क्रीनिंग कर रहे थे तब ब्लेसिंग्स देने तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है हमारे लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सूरज और जैकी अंकल का एक फ़ोटो आया अभी ट्विटर पे आप देखोगे तो वो भी एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मैंने जैकी सर को बोला कि सर आप अंदर क्यों नहीं आ रहे तो बोला कि बच्चा बस तुम लोगों को दुआ देने आया हूँ मैं तो थिएटर में देखूँगा पैसे खर्चा करके कोशिश कर रहे हैं ट्विटर पे अभी हम लोग थोड़े महीने पहले ज्वाइन हुए पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच आउट टू योर फैंस एंड योर फ्रेंड्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल के दौरान हिंदी भाषा में कैसे थे आप हिंदी कैसे थी मैं हिंदी ट्यूशंस करती थी मैं बहुत सताती थी टीचर को क्लास में कभी ध्यान नहीं देती थी चीज़ टोस्ट खाती थी मुझे याद है हिंदी ट्यूशंस में और घर में एक बंक बेड होता था तो जब भी हिंदी ट्यूशन टीचर आती थी हम लोग बंक बेड के ऊपर जाके छुप जाते थे तो बहुत मस्ती करते थे मेनली तो मेरे घर में हिंदी बात करते सब तो पर हिंदी थोड़ी वो बॉम्बे वाली है जाना वाना आना तेरा मेरा वैसा कुछ है बट हिंदी तो इज आई बीन बॉर्न इन अ हाउस वेयर पीपल टॉक स्पीक हिंदी फैन मोमेंट वो लेटर है थैंक यू आप लोग देखोगे ना अभी देख रहे हो थैंक यू एंड रियली थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड रियली थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस टू अस थैंक यू